तो हेलो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं बिगनर सीरीज के एपिसोड 4 के साथ। इसमें हम सिखाने वाले हैं फ्री स्टाइल किक। इसमें हम फ्री स्टाइल किक को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस स्टेप में हम दीवार पर बैठकर किकिंग करेंगे। इसमें हम दोनों पैरों को सीधा करके रखेंगे और टो को पॉइंटेड रखेंगे। अब हम पैरों को अप और डाउन मूव करेंगे। अप और डाउन मूवमेंट में ध्यान रखना है कि नी बेंड ना हो, और अप एंड डाउन करते समय थाई से पावर लगानी है। यह स्टेप कम से कम 8 से 10 बार जरूर। इस स्टेप में हम दीवार पर लेट जाएंगे और तो लंबी रखेंगे और पैरों की मूवमेंट करेंगे। इस स्टेप से हमारी किकिंग इम्प्रूव होती है। इसमें ध्यान रखें कि 6 से 7 इंच खोलकर अप एंड डाउन किक मूवमेंट होगी। यह स्टेप भी 8 से 10 बार जरूर करें। इस स्टेप में हम पेट के बल लेट कर किक मूवमेंट करेंगे। इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि नी बैंड ना हो, तो पॉइंटेड चलें, पानी से बाहर ज़्यादा पैर नहीं निकालना है। इसमें लेग्स को बिल्कुल सीधा रखना है, टो को लंबा रख और थाई से पावर लगाकर लेग मूवमेंट करनी है। इस स्टेप में हम दीवार को पकड़ कर किक करेंगे। इसमें हेड प्रॉपर डाउन होगा और दोनों हाथ सीधे रहेंगे, एल्बो बैंड नहीं होगी। बॉडी को पानी पर हल्का छोड़ देना है और थाई से पावर लगाकर टो को पॉइंटेड करके किक करनी है और नी बैंड नहीं करनी है। इसमें ध्यान रखना है कि किक करते समय पैर को 6 से 7 इंच खोलकर अप एंड डाउन लेग मूवमेंट करनी है। इस स्टेप में हम बोर्ड की हेल्प से किक करेंगे। दोनों हाथों से बोर्ड को पकड़कर हाथों को सीधा रखना है। इसमें एल्बो बैंड नहीं होगी। अब हेड प्रॉपर डाउन करेंगे और लेग्स मूवमेंट अप एंड डाउन करेंगे। जैसे कि हमने पहले भी बता रखा है, इसमें नी बैंड नहीं होगी और टो पॉइंटेड रहेगी। यह स्टेप भी ब्रीथ होल्ड के साथ करना है और यह भी 10 से 20 बार जरूर करें।
इस स्टेप में हम बिना किसी सपोर्ट के किक करेंगे, हाथों को सीधा रखेंगे तथा हेड प्रॉपर डाउन और लेग्स बीटिंग अप एंड डाउन करेंगे। इसमें हमारी बॉडी तेजी से आगे की तरफ मूव करेगी। अगर हम नी बेंड कर लेंगे तो हमारी बॉडी आगे मूव नहीं करेगी। इसमें ध्यान रखें कि नी बेंड ना हो। इस स्टेप में हम दीवार पर बैठकर बॉडी को पैरों से पुश करेंगे और लेग मूवमेंट करेंगे। इसमें भी हेड पोजीशन प्रॉपर डाउन और हाथ सीधे रहेंगे। इसमें भी हमारी बॉडी तेजी से आगे की तरफ मूव करेगी। यह भी हमें ब्रीथ होल्ड के साथ करना है। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीथ होल्ड रखेंगे और किक करेंगे। यह स्टेप भी 10 से 20 बार जरूर करेंगे। इस स्टेप को ज़्यादा से ज़्यादा बार करें। इससे हमारी लेग मूवमेंट इम्प्रूव होंगी और बॉडी तेज़ी से आगे की तरफ मूव होगी। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो का जो सा पार्ट आपको अच्छा लगा है उसके लिए कमेंट जरूर करें।